जय माता दी। किसी के भी घर में गुस्से भी नहीं है। क्या हो रहा है? गमले गिर गए भाई, इतने भारी गम। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को सबसे पहले जय माता दी। आज तुम्हारा भाई टाइम से एकदम, जैसे मैंने बोला जल्दी उठना स्टार्ट करूंगा, तो आज मैं 5:30 बजे उठ गया हूँ। मैं आपको शाबाश बेटा, मैं इतनी जल्दी उठा, लेकिन उससे पहले मम्मी ने ना घर में अभी पोंछा लगा दिया, झाड़ू लगा दी और सारी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन करके रख लिए, जो भी कन्याओं के लिए हमारे मतलब अष्टमी पूजन में जरूरत होती है। ये देखो इधर आटा वाटा सारी चीजें मल के रख ली इन्होंने, सब चीजें सारी चीजें कर ली सुबह 5 बजे उठ के। बहुत तेज हो रहा है। अब मम्मी बना रही चाय। चलो भैया नहा धो के हो चुके हैं, तुम एकदम देख रहे हो क्या आजकल? 2-3 दिन से तो ऐसा स्मार्ट से लग रहा हूँ। हाँ माना थोड़ी थोड़ी नहीं, 99.99% कमाल है ये, तो फिर भी स्मार्ट सा लग रहा है। तो फटाफट से बना देते हलवा, क्योंकि बस हलवे की वजह से पूजा रुक रही है हमारी, भोग भोग लगता है ना, तो तेजी से हलवा बनाते हैं क्योंकि फिर हो जाएगा टाइम कन्याओं का भी। और आज हमारे भैया भाभी अपने आप उठे बिना उठाए, मैंने चलो अच्छी बात है। हम लोग आए हैं सारी तैयारी करने के बाद कन्याओं को लेने के लिए, हमारी भाभी घूम रही हैं ऐसे झांक रही हैं। बताओ यार, घर याद नहीं है, और अभी 5 मिनट पहले आई थी फिर भूल गई। यार किसी के भी घर में गुस्से भी नहीं है, क्या हो रहा है? शिट, मेरा ब्लॉग ही खराब करवा दी है। पहले घर सोच लो कौन सा, सुबह भी आई तब भी भूल गई, अद्धी हो गई यार, पता ही ना है घर के, पता ना दे गया घूमने भूला। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये देखो अब ये दो बच्चे बताएंगे हमें तेजी से। अरे नहीं नहीं, डॉगी के सामने नहीं दौड़ना। 2-3 कौन करेगा? तो करो ना, तो कर ना। चलो 3 पे जय माता दी बोलना है बस, ठीक है सबको एक साथ 1-2-3 जय माता दी। इनका अलग ही नशा चलता है यार। कोई नहीं, सबके ब्लर कर दूंगा चेहरे, पर जय माता दी आवाज आनी चाहिए यार थोड़ी, तभी तो बोलता मोनेटाइज कर दो, फिर हर कोई मेरे चैनल में आने के लिए वो होगा उत्सुक। तुमसे ना हो पाएगा। तो चलो यार अभी ना फिलहाल कन्या लाऊंगा, तो हो चुकी है बढ़िया से, फेस नहीं दिखा पाया, ब्लर करके आया, बस मैंने जय माता दी लिया। मैंने यहाँ पर कोई नहीं, एक होती है सबकी प्राइवेसी अपनी अपनी। और मम्मी ने हमारे लिए भी रख दिया खाना परोस के, तो फटाफट से खाते क्योंकि टाइम जो हो रहा है वो हो चुका 8:35। तो आज 10 बजे जाएंगे मेरे को, तो आज को 7:30-8 बजे निकलना होगा पर, लेकिन कोई नहीं आप निकल जाएंगे, अब रुकने का ज़्यादा दुख नहीं होगा। तो फटाफट से खाते हैं निकलते हैं, बस वेट कर रहे हैं अपनी चाय का, चाय नहीं आई। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ वहाँ से, तो आप भी ना टाइम रहो नौ, तो मैं जिस टाइम ऑटो में बैठा था वो हो रहे थे 9:03, करेक्ट 22 मिनट में मैं आज 62 पहुँचे, जाम नहीं मिला बिल्कुल भी। सोच रहा हूँ रोज अब इसी टाइम पे आने स्टार्ट कर दूँ, 20 मिनट लगते हैं टोटल आने में, मस्त प्लान है। चलो यार अभी फिलहाल टाइम तो जो हो रहा है वो हो रहा है 7:10, और मैंने ना जो लंच आया था हमारी कंपनी का उसमें से थोड़ी खीर बचा के रख ली, थोड़ी नहीं बहुत सारी है, तो फटाफट से इसको करके खाते हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत ही तेज। जिस दिन जो है हलवा या फिर खीर वीर आती है ना, उस दिन मैं जो है ऐसे ही पैक मतलब कि जो बचता है खाने में उसको रखवा देता हूँ। चलो तो ये देखो ले लिया, अभी इसको बच्ची को वापस रख देते हैं। तो यार अभी मैं फिलहाल निकल चुका हूँ ऑफिस से, टाइम जो हो रहा है वो रहा 7:45, और अभी ना झरना पड़ रहा था और इतनी तेज आंधी आई, और देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं, अभी जब ऑफिस से बाहर ना आंधी का इंपैक्ट, ये देखो ये सारे बैरिगेड्स, ये चलो बैरिगेड्स को तो मान लें कि वैसे गिरे ये भी हवा से ही है, पर बैरिगेड्स को तो मान सकते हैं कंस्ट्रक्शन काम है गिरे, और लेकिन इधर देखो ये गमले गिर गए भाई, इतने भारी गमले गिर गए, अब सोच लो कितनी तेज आंधी आई होगी। फिर तुरंत ही मैंने सर से बोल दिया अपने, मैंने सर मुझे जाने दो, मैं ऑटो से जाने वाला गरीब इंसान हूँ, आप तो लोग तो गाड़ियों बैठ बैठ के निकल जाओगे, मुझे दिक्कत हो जाएगी। फिर बोला सर नहीं चलो तुम निकल जाओ, और मेरे आते सब निकल गए, मैंने यार क्या ही बवाल है। तो फटाफट से चलते हैं। चलो भैया घर पे आ चुके हैं, जैसे घर से आए ना इतनी बारिश पड़ी ना पड़े, हमारी मम्मी तुरंत ही जूते चप्पल अंदर, भैया कोई रिश्ता आ रहा तुम्हें मुझे, चलो ऐसी कह देना कोई उठन वाला, हम परेशान कर रहे हो, उठ रहे हो ना उठ रहे हो? हाँ भाई तो नींद है भाई बढ़िया, एक बार सो जाओ मस्त सो जाओ, कोई नहीं यार। खाने में क्या है? दाल चावल और दाल का एक ही है,
आज मैं धनाधन तो बैक टू बैक खीर खा के आया, तो पैसे पेट में जगह ना है। चलो कोई नहीं, फटाफट से हाथ में धोते हैं और खाना खाते हैं। इस ब्लॉग को कहते हैं एंड। आई होप आप सभी ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों फ्रेंड्स से शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।